युवा बेचारे हैं, जितने किसान हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सब लोग परेशान हैं। बुजुर्ग लोग एक लाठी लेके खेत में जाके बैठते हैं लोग। आदमी के नाम पे सिर्फ दो रह गए, बाकी कोई अपराध। ये सरकार जो है इसमें सबसे ज्यादा अन्न जो हुआ है युवाओं का हुआ। गाँव गाँव में जब ये सब चीजें जब देखता हूँ और सुनता हूँ ना, तो मेरा भी दिल होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। अगर आप भी इंसान हैं तो कभी आइए गांव में और देखिए, इनकी आवाज सुनिए। आप भला मत सोचिए, हमारा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि इन गरीबों किसानों की बात सुने और इनके विकास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं 16 फिंडी। दोस्तों, चुनावी यात्रा के दौरान इस समय हम खड़े हैं जौनपुर जिले में। जौनपुर जिले का एक केराकत विधानसभा क्षेत्र है और इन लोगों से हम चर्चा करेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है। तो आइए बात करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे। दादा तारामपुरिया से बात करो, तो क्या विचार है 2022 विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या विचार है आपका उसको लेकर? भैया हमने यही रही अहिरे को जाप, विकास से मतलब ना रही तो हीरे को जाप। अच्छा, अरे हम इस सरकार की महंगाई से बहुत परेशान हैं, इसलिए हम सपा को ही वोटिंग करेंगे, क्योंकि सरकार 5 किलो देकर और डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई है कि हर किसान, हर लोग, मजदूर वर्ग, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सरकार तो जो जैसा टाइम देखा जाएगा वैसा पब्लिक करे। में सरकार बदलेगी, में से अखिलेश यादव आएंगे। क्यों? कुछ महंगाई। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। लीटर जा रहा है इसके जो है कि एक गायों का, हम लोग अभी किसान आदमी हैं जो कि अभी रात में जाके अपना खेत बचाते हैं, इससे आए दिन तंग हैं, मर जा रहे हैं। दादा जब गाय बिक नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे आदमी? कहाँ जाएंगे, कहाँ किलो पेट्रोल में? अरे भाई हर साल मतलब आपको लग रहा है कि बदलाव से बदलाव होगा, क्योंकि भाजपा में, भाजपा हम लोगों को इतना त्रस्त कर दिया, हम लोग परेशान हैं कि भाजपा को हम दूर फेंकना चाहते हैं। तो ये बताइए कि 5 साल में दूसरी सरकार, 5 साल में दूसरी सरकार, 5 साल में ही विकास का पता चल जाएगा, कैसे होगा? कैसे नहीं, नहीं, जब तक 5 साल नहीं रहेगी तब तक कैसे पता चलेगा? 5 साल पिछली बार थे ना, तो भाजपा थी ना? नहीं, पिछली उससे पहले तो थे ना, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, काम विकास हुआ है, यादव ने विकास किया। जब विकास किया तो फिर क्यों आगरा को भाई ये बल्लेबाज है ना, बीजेपी वाले बल्लेबाज है, 5 रुपया महीना दिया जाता था, क्यों हार गए, क्यों बीजेपी को लाया, आप ही लोग ने लाए? अरे बिजली व्यवस्था इतनी जर्जर थी, 15 रुपया पाएंगे, 20,000 रुपया पाएंगे अगली सरकार आएगी, 15 लाख अकाउंट में आएगा पैसा। झूठ बोलते गए, झूठ कोई पैसा किसी को नहीं आया, बाकी जो पब्लिक के पास पैसा रखा हुआ है। महोदय समाज को एकदम झूठा बनाकर लोग केशव महोदय के आगे उतार कर चुतिया बनाए जनता को, और उसके साथ साथ जो है राजभर के लोग बेकूफ बनाए, और ये लोग का वोटिंग लेकर लोग चुनाव जीते, और एक झूठी सरकार एकदम ये है। ये सरकार से एकदम सब लोग परेशान है। 5 किलो जो राशन देती है सरकार, और अब क्या करती है, अब मोदी और योगी ये लोग झोला एक दे दिए, ये झोला लेकर जाओ, अब इनके पास कोई प्रचार स्टार है ही नहीं है, और ये लोग झोला से प्रचार कर रहे हैं गांव गांव घूम के, गांव गांव घूम के झोला से प्रचार कर रहे हैं। ये एकदम झूठी सरकार है, और जितने युवा बेचारे हैं, जितने किसान हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सब लोग परेशान हैं। बुजुर्ग लोग एक लाठी लेके खेत में जाके बैठते हैं लोग, और बैठते हैं कोई घरों तो रहते थे, और सांड भैंसा। एक किसान मैं जा रहा था अमरोना, मैं अमरोना का सेक्टर प्रभारी इंद्रजीत यादव सपा से है, मैं वहां पर गया, वो बेचारा जो है गोजी लेके खड़ा था, फिर उधर से आ रहा था, मुझे रोका एक दिन, बोल रहे कि यार थोड़ा रुकिए आप, मैं रुका, कह पानी लियो, हमको यहाँ पानी लिए, वो किसान को मैंने पानी पिलाया। दादा क्यों घर में बैठे हो, क्या करें, सब सांड भैंसा खा जा रहा है, कल की दादा फिर वोट देंगे मोदी को, क्या मोदी को नहीं वोट देंगे, नहीं इनको देंगे, हम देंगे अखिलेश यादव को, जात के थे वो हरजन, जात के थे वो हरजन, और इस सरकार से हम लोग एकदम परेशान है, त्रस्त हैं। और दूसरी बात कि बिजली जो है, बिजली अखिलेश यादव के सरकार में
उस समय 200 कुछ रुपया था और इनके सरकार में 400 कुछ रुपया हो गया, 510 रुपया हो गया। और मीटर से आता है ना, मीटर मीटर का कोई संभावना है ही नहीं है, इतनी मनमानी लोग कर रहे हैं जनता के साथ। जनता के साथ जो अधिकारी वो भी मनमानी कर रहे हैं और जो मतलब कि लोग नेता पनेता ये लोग भी मनमानी कर रहे हैं। और कांग्रेस के राज में जो गैस गैस जो था 400, वो 400 450 था। और ये क्या किए के लोग लेकर के कपार पे घूमते, कपार पे घूमते थे यही लोग। आज जो इसका जो एक हजार कर दिए, बीच में 600-700 करिए थे, उसमें 277-377 आती थी, आज एक हजार कर दिए, 63 रुपया सब्सिडी आई। वो भी आती है कि नहीं आती है ब्राह्मण जाने। तो आपको क्या लगता है कि जब अखिलेश यादव आएंगे तो ये गायों का जो प्रॉब्लम है किसानों का वो सॉल्व हो जाएगा और जो महंगाई एक बैग कम हो जाएगी? देखिए अखिलेश जी आएंगे, ये किसानों के हक में काम करती हैं, करते हैं, और ये जरूर उनका पालन करेंगे और सब लोग किसान पालन करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। उसको घर घर जो किसान छोड़ते हैं उनको बांधिए, खिलाइए, जियाइए, रखिए। ये 7-8 गांव के जब गाय लेके जाती है ना, तो उसमें जो सेवा करते हैं बोलते हैं प्रधान मने किए, बोलते हैं प्रधान मने किए। मैं एक बार जो है मार्च के महीना में फोन किया, मेरे गांव के गैया कोई किसान लेके जा, मैंने फोन किया तो बोल रहे थे कि सेक्रेटरी साहब मने किए हैं, सेक्रेटरी साहब मने किए हैं, यहाँ पर जो है गौशाला में जगह नहीं है और इसका व्यवस्था नहीं है। 100 के ऊपर की 200 के ऊपर उसका टारगेट था, वो पूरा हो चुका है। अब रात में तो दिन में तो पूरा होता है, रात में कहाँ जाती है पता नहीं, और रात दिन में फिर आके घुस जाती है, और किसान लोग एकदम परेशान है। कौन बताए सरकार से हम जो है किसानों का आंदोलन। अभी प्रतापगढ़ में, अभी प्रतापगढ़ में कल या परसों एक हमारे मोबाइल पे आया था अथवा जो है, मैंने उसमें देखा कोई सांसद था, वो सांसद को पब्लिक जो है दौड़ा रही थी, बीजेपी का सांसद को दौड़ा रही थी। बताइए वो लोग अपना सुरक्षा नहीं रख रहे हैं, पर्चा क्या करेंगे, एक झोला से पर्चा करेंगे, 5 किलो किसानों को दे रहे हैं अथवा चावल गेहूं दे रहे हैं। अब उनके पास कोई प्रचार स्टार है ही नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मार खाने के बदले दे देते हैं एक झोला, एक झोला लीजिए और मोदी योगी के प्रचार करिए। अरे योगी जी कह रहे हैं कि इस हमारी सरकार में 4.5 साल के कार्यकाल में जितने भी माफिया थे सबको हमने, हाँ ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ जितने अपराधी हैं सिर्फ दो ही रह गए, कौन कौन, और एक मुख्तार, और अपराधी के नाम सिर्फ दो रह गए, बाकी कोई अपराधी नहीं। और आज तक इन्होंने किया क्या, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करके इन्होंने राजनीति किया। कभी मैं किसी बिरादरी की बात नहीं करता हूँ, मुझे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम ये कहते हैं कोई भी जो गलत हो, मेरा बेटा गलत हो, मैं गलत हूँ, मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आम को मिलती है। तो इन कभी ये लोग रोजी रोटी की बात नहीं करते, ये लोग बात खाली सांप्रदायिक दंगा करा के सत्ता में रहने का काम करते हैं। जब 350 सिलेंडर था तब इन लोगों को महंगाई थी, जब वही कांग्रेस जीएसटी लाने की बात की तो कहें इससे जनता का बड़ा हित हो जाएगा। हमारे जैसा घिनौना प्रधानमंत्री कोई आज तक धरती पैदा नहीं हुआ। पैसा लाए, गरीबों से पैसा खींचे, वो पैसा जगह से खर्च नहीं किए, जगह से खर्च करने का मतलब स्वास्थ्य पर नहीं किए, कोरोना भी एकदम झूठ है। और कोरोना की जो बात आप कह रहे हैं, कोरोना की बात अगर कही जाए तो उसमें सरेसर दोषी है तो नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो है, सबसे कोरोना अगर है भी तो इसमें दोषी है नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा यहाँ सरकार बनी मध्य प्रदेश में, जहाँ 1 से 2 हम नहीं हो सकते, वहाँ हजारों की जनता में लोग तय करता, बताइए अगर चूहा छूट की बीमारी है तो आप ऐसा क्यों करते। ठीक है हमने पैसा कमाया तो अपना परिवार देखा, लेकिन दुख हम पूरे प्रदेश को पूरे देश को दें तो अच्छी बात है। जब 30 जनवरी को जब पॉजिटिव मरीज मिला तो फिर बाहर का वीजा क्यों नहीं रद्द कर दिया गया? मैं आपसे नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल करता हूं, उसका जवाब है। या जिसको आपने लाया तो आपके पास सारी व्यवस्था है, आप
ये रोड खर्च हो रहा है जो इनका पैसा नहीं, ये आप जनता को भ्रमित मत। पहले से भी ये सर्वे इसका कम से कम 15 साल पहले का, 18 साल पहले का हुआ है। ये जो भी रोड बैंक जो भी रोड बन रहा फोर लाइन बन रही है उसका जो है विश्व बैंक का पैसा लग रहा है, वो अपना टोल लगा के वसूली करेंगे। क्या आपको लग रहा है? कुछ नहीं, सरकार बदले या न बदले वो तो अलग की बात है, लेकिन जनता की भावनाओं इनके प्रति नहीं। बताइए। मैं ब्रजेश यादव हीरापुर निवासी हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये सरकार जो है इसमें सबसे ज़्यादा अन्न जो हुआ है युवाओं का हुआ है, वो जितने भी युवा हैं सारे रोड पे युवा आ गए हैं, उनके लिए कोई भी मतलब ये नहीं है कि मतलब उनको कहीं प्लेसमेंट कर दिया जाए। 4.5 लाख बोल रहे हैं रोजगार मिला है, वो नरेगा में जो काम करते हैं और ऐसे ऐसे करके वो गिना रहे हैं कि हमने वो तो पुराने ही ले ले। आप मत बोलिए, आप मत बताइए ना, जब आपसे पूछा जाएगा तब बताइए। इनके विचार देना थी, काउंटिंग करवा रहे हैं नौकरी के नाम पर, कुछ भी नहीं है। बच्चों का देखिए 2 साल से स्कूल चला गया एकदम, सारे बच्चों बच्चे बेकार है एकदम, समझ लीजिए कि वो एकदम उनको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो वैश्विक महामारी थी तो उसके वजह से बंद था, 2 साल समय गया। तो वैश्विक महामारी थी, सरकार को ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए था। मेरा नाम सामू सोनी भैया, मैं पैसे से एक दुकानदार हूँ। दुकानदार के लिए ही महंगाई सबसे बहुत ज़्यादा मारी जा रही है और 2 साल से लॉकडाउन से हम लोग बहुत परेशान हैं। काफ़ी समझ लीजिए दुकानदारी धंधा पूरा मारा जा चुका है और बाकी दुकानदार के लिए ही तेल वोल बाकी और बाकी सब जीएसटी वेस्टी वही सब ज़्यादा मतलब दुकानदार के लिए हानिकारक घाटा सा पहुंचा रहा है। दुकानदार के लिए देखिए भैया क्या ज़रूरी है, एक तो पहली बात तो हम लोगों को मार्केट पड़ता है तहसील क्षेत्र के राकत में, यहाँ जाने में लगभग कम से कम 20 किलोमीटर पड़ जाते भैया। जो पहले तेल 60 रुपया लीटर था, हम लोग 1 लीटर में आ जाते थे, अब उसी समझ लीजिए भैया हमें 1 लीटर 100 रुपया देना पड़ता है। गाड़ी भी एवरेज कम से कम 50 रुपये मतलब 1 लीटर 40 रुपया एक्स्ट्रा मारा जाता है। व्यापारी वर्ग के लिए तेल बढ़ाना बहुत मुश्किल ही है समझ लीजिए भैया। आप तो बिना तेल के हिसाब से महंगाई भी तो हाँ महंगाई भैया हर चीज़ की बढ़ गई। देखिए जो मैं सरसों का तेल 100 रुपये लीटर किन के खाता था भैया, मेरे पास खेती बाड़ी कुछ नहीं है, मैं पैसे से धंधा वाला हूँ। रह गई बात भैया जो तेल मैं सरसों का 100 रुपये लीटर किन के खाता, आज की डेट में भैया मैं 200 रुपया पे करके खाता हूँ। और हमारे लिए समझ लीजिए भैया जिस समय हम बस खाली जी खा रहे हैं भैया, और समझ आगे के हमारे लिए भविष्य कोई भी नहीं है। तो क्या विचार है 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्या लग रहा है आपको कुछ बदलाव? देखिए भैया बदलाव यही लग रहा है कि अगर आने वाली सरकार अगर कुछ वादा करती है, अगर महंगाई डिस्कशन लेती है, तो जैसी जो सरकार वादा करती है उसी सरकार को भाई 2022 में सपोर्ट किया जाएगा। हम तो दूध का धंधा करते हैं, सब चीज की महंगाई बढ़ रही है लेकिन दूध की कोई रेट नहीं बढ़ रहा है। हम गरीब आदमी है, हम लोग कैसे अपना पेट जिया रहे हैं, अपने बच्चों को जिला खिला रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि अगर पेट्रोल डीजल गैस का महंगाई बढ़ रहा है तो हमारे दूध का भी रेट बढ़े। हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि 100 रुपया लीटर दूध बेचते हैं जी, हम तो अभी 40 रुपये लीटर दूध बेचते हैं। तो शहरों में तो 80-90 रुपया जी, शहरों में 80-90 रुपया लीटर है, उधर दूध नहीं मिलता, इधर दूध है तो इधर कोई रेट है ही नहीं है। हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि हमारे दूध का भी रेट बढ़े, हम लोग भी अगर उसी से कमा खा रहे हैं तो हम लोग भी उसी से कमा खा के जी ले। सही बात है, ये किसान है और ये दूध का धंधा करते हैं, अगर दूध का रेट जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है वैसे दूध का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा? भैंस का दूध 40 रुपया लीटर है, हम लोग कैसे कैसे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अपने बाल बच्चों को खिला पिला रहे हैं। अब बहुत महंगाई इतनी बढ़ रही है लेकिन इस दूध की महंगाई कोई कुछ भी नहीं है। हम तो चाहेंगे इसका भी रेट बढ़े, उसके बाद हम लोग अपना धंधा करें, सरकार हमारे तरफ भी ध्यान दे, हम गरीबों की तरफ भी ध्यान दे, हमारा भी कुछ गाड़ी आगे बढ़े। ये भाजपा सरकार मान लीजिए अपने देश में जो विकास की बात करती है और ऐसा है नहीं, ये लोग मुसलमानों को जो कि ये अफगानिस्तान तालिबान ये मीडिया चैनलों पर जी चैनलों पर रिपब्लिक चैनलों पर जी लोग, मैं जब भी देखता हूँ न्यूज़ पे 7-8 चैनल देखता हूँ तो यही देखता हूँ, अफगानिस्तान कभी तालिबान कभी पाकिस्तान। हम तो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ना, फिर भी हम लोग 10-12 लोग हैं, उनके पास खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। आज 2 साल से ऐसा रोजगार है कि समझने के भूखों मर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार योगी सरकार की मैंने मकान दिया, इतने करोड़ मैंने मकान दिया, मुसर समाज में मकान दिया, क्या मुसलमान इस समाज में नहीं रहता है? 10-12 लोग हैं ऐसे, 15 लोग मुसलमान इकट्ठे हैं, उनके पास एक बित्ता भी बसने के लिए जमीन नहीं है और खेती बाड़ी तो छोड़िए,
कोई सिलाई करता है, कोई दुकान करता है, जो हम लोग साल दो साल में कमाते थे वो आमदनी नहीं है। ये बताइए, मेरे पास 6 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, जिसके पास खेती नहीं है, ये बताइए उनकी आमदनी रुक गई, क्या सरकार हम लोग को शादी के लिए मदद कर सकती है? उनकी सरकार बोली थी, ठीक मोदी सरकार बोली थी, न्यूज चैनल को मैं देखा कि सांसद हमारे जो हैं बीजेपी के जो सांसद हैं मैं गोद देता हूं। तो क्या मचाटी गांव में उनके सांसद नहीं आ सकते? क्या घर घर जाकर सर्वे नहीं कर सकते कि नहीं आप जाइए मुसलमान में गए या कोई भी कास्ट में देखिए, तो वो लोग क्यों नहीं करते ऐसे कि नहीं ये लोग किस चीज से वंचित है? ये लोग को नाली व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, खेती नहीं, तो हर व्यवस्था सरकार खराब है। तो भाई इस तरह से हम लोग तो बहुत वंचित है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि सरकार बहुत महंगाई कर दी है। जिन्होंने भाई साहब ने बताया कि तेल जो था कड़ू का तेल, ये बताए हम लोग के पास खेती बाड़ी नहीं, हमको खरीदना है खाना है। तो अब कड़ू का तेल जो है राय का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग यूपी में और प्रांतों से हम लोग ज्यादा कड़ुआ तेल पसंद करते हैं। तो ये बताइए हम 210-220 रुपया अगर लीटर खरीदेंगे तो और भी क्या खरीदेंगे हम? इसके साथ दाल है, चावल है, आप कह रहे हैं कि हम 5 किलो दे रहे हैं, ये बताइए गोदामों में रखा हुआ चावल है, सड़ा हुआ है, ये बताइए हम आकर उसको धोते हैं बनाते हैं तो साला बास मरता है, ये बताइए ये खाकर हमारी जिंदगी क्या रोग नहीं फैल सकता है? जिंदगी अच्छी बीत सकती है? आप कंपनी कर खाना खोलिए या उस समाज को देखिए कि जो गरीब है उसको क्या है क्या नहीं है। जितने भी प्रतिनिधि हैं सुन रहे हैं, एक गरीब की एक मजलूम की आवाज सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए कि गांव में क्या हालात हैं। और तमाम उन बड़े बड़े चैनलों उन मीडिया वालों से भी मेरा यह निवेदन है कि शहरों में नुक्कड़ पर खड़ा होकर वहां से नहीं जाना जा सकता कि गांव की जनता का क्या हाल है और क्या हालात हैं गांव में। अगर गांव में हालात जानना है तो गांव में आना पड़ेगा, लोगों के बीच में आना पड़ेगा। और तमाम जनप्रतिनिधि जो वहां पे बड़े बड़े रैली कर लेते हैं, अरे रैली छोड़िए, गांव में एक बार घूमकर तो देखिए कि क्या हालात है वहां पे। गांव में आइए और लोगों से मिलिए, तब जाके क्या विकास हुआ, क्या विकास हुआ और क्या स्थिति है इन गरीबों की, इन किसानों की, वो आपको तब समझ में आएगा। तब हमारे देश का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा और इन गरीबों का विकास होगा और किसानों का विकास होगा। ऐसे नहीं, बड़ी बड़ी रैलियां करने से इस देश का विकास होने वाला नहीं है, वो हम लोगों का इन गरीबों का पैसा ही है जिससे आप बड़ी बड़ी रैलियां कर लेते हैं। कभी आइए गांव में और घूम कर देखिए क्या है इनके हालात। और मैं भी घूम रहा हूँ गाँव में, जब ये सब चीजें जब देखता हूँ और सुनता हूँ ना, तो मेरा भी दिल होता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। अगर आप भी इंसान हैं तो कभी आइए गांव में और देखिए इनकी आवाज सुनिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या विकास हुआ है और क्या नहीं विकास हुआ है। अब कहते हैं ना कि यूट्यूबवा वाले सब चिल्लाते हैं, इसीलिए चिल्लाते हैं। हम भी 2 साल पहले कहीं जाके रोजी रोटका करते थे, कमाते थे, लेकिन हमको हाथ में माइक पकड़ना पड़ा इसलिए। तो आपका फर्ज बनता है कि आइए और देखिए, लोगों से मिलिए, तब जाके इन गरीबों का और इन इस देश का विकास होगा। नहीं तो ऐसे ही लोग परेशान रहेंगे, रोटी रोजगार चले जाएगा लोगों का और कुछ इस देश का भला नहीं होगा। अपना भला मत सोचिए, हमारा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि इन गरीबों किसानों की बात सुने और इनके विकास के बारे में सुने। मैं इतना ही, जल्दी अगली वीडियो के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।